ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦੇ ਹੋਊਗਾ ਜਿਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਗੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਏਸੀ ਲਵਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਲੋਂ ਸਲੂਟ ਇਹੋ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਚਪੇੜ ਹੈ ਕਿਹੇ नमस्कार ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। गाड़ियां बुलाने वाले कंपनियों के मुंह पर तमाचा, जरा सीखो कुछ इनसे। दोस्तों, गाड़ियां ले लेकर आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाते हैं, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम पूरा घूमते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों से नाता है, बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वार पर जाते हैं, गेट लगा लिए जाते हैं कि ड्राइवर अंदर नहीं आएगा, अंदर चले भी गए तो पानी यहाँ से नहीं पी सकते, ऐसे ऐसे बोर्ड लिखकर लगा दिए जाते हैं। कुछ ऐसा बोर्ड पर लिखकर लगा दिया जाता है ड्राइवरों के लिए कि ड्राइवर नॉट अलाउड। वो ड्राइवर जिससे इनका काम चल रहा है, जगह जगह से लेकर माल आते हैं, रोजाना 100-150 गाड़ियां आती हैं, उसमें ड्राइवर और खलासी आते हैं, कई जगह खलासियों को अंदर जाने नहीं दिया जाता। अब जरा सोचिए, अगर खलासी नहीं होंगे तो ड्राइवर पेड़ से आएंगे क्या? क्योंकि एक ड्राइवर तभी ड्राइवर होगा जब वो खलासी होगा, साथ में रहेगा, को ड्राइवर बन के रहेगा, सीखेगा, कुछ साल की ट्रेनिंग लेगा, तब जाकर वो ड्राइवर बनता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में हमने देखा है, पूर्व में बहुत सी ऐसी वीडियोस, ऐसी घटनाएं आई हैं जहां ड्राइवरों को अंदर ही नहीं जाने दिया जाता। मान लीजिए अंदर ले भी लिया या अंदर कर भी लिया तो बाहर जाने की परमिशन नहीं है। सेफ्टी और रूल्स के नाम पर इतना कुछ है कि इनके साथ शोषण ही हो जाता है। ऐसे ऐसे बूट्स दे दिए जाते हैं फटे पुराने सेफ्टी के नाम पर। अगर आपको सेफ्टी के नाम पर कुछ देना ही है तो बढ़िया सुविधा मुहैया करवाइए। खाना बनाने के लिए पार्किंग में अगर ड्राइवर रुक भी जाता है, खाना बनाने के लिए मजबूर होता है, तो वहाँ खाना बनाने नहीं दिया जाता, कैंटीन में जाने नहीं दिया जाता, कर्मचारियों के साथ बैठने नहीं दिया जाता। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, हम सभी कंपनियों को नहीं कह रहे, लेकिन बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसा करती हैं। होना तो ये चाहिए कि इतने इतने ड्राइवर रोजाना आ रहे हैं, थोड़ी सी सुविधा उनके लिए भी मुहैया करवा दीजिए। सस्ते दामों पर खाना दिलवा दीजिए, पानी की व्यवस्था कर दीजिए, शौच की व्यवस्था कर दीजिए। ड्राइवर और क्या चाहता है? कोई ताजमहल या बड़े बड़े एसी वाले रूम या होटल नहीं चाहता। उसको एक कोना भी मिल जाएगा तो वो खुश हो जाएगा और आपको सल्यूट करेगा बार बार जो भी ऐसी सुविधा देगा, जैसा कि इस वीडियो में ये ड्राइवर कर रहा है जब इसने ऐसी ही एक सुविधा ड्राइवरों के लिए देखिए। जी हाँ, देखिए इस वीडियो को, फिर आगे चर्चा करते हैं। हाँ जी वीरियो, ये अपना पटियाले तो सरहंद वाले रोड से टवाणा फीड वाले ने, तो इतने यार जी गल मैं वधिया लगी है, वो करके ना मैं वीडियो बना रहा। तो मैं पहली देखता सी भी ये यार इतने कोई वधिया सोच वाला बंदा होगा जिन्हें ड्राइवर बारे सोचा, ठीक है जी। इतने गड्डिया बहुत आउंदियां ने ते ड्राइवर वास्ते स्पैशल ना इन्होंने एक कमरा बनाया आ सारा, एडे फिर पता लगे भी सरदार बंदा तो एसी लवा रखे ने। आ देखो क्या साढ़े वीर आराम करते हुए, ठीक है जी। सलूट है भैया फैक्ट्री वाले नू जिन्हें ड्राइवर बारे सोचे है। सरदार बंदा सब तो वड्डी गल तो यह है, दो एसी लवा रखे ने ते सरदार जी आए तो कहते कूलिंग घट होंगी कि इतने लवा देना भाई। बहुत यार दिलों सलूट है यहोजे सरदार जी नू जिन्हां ने ड्राइवर बारे सोचा, हुण इत्थे जिहड़े सारे आराम कर रहे ने। तो मैं तो कहना भी सीखो कुछ, जिहड़े गड्डियां वाले अंदर वड़न नहीं ना दिंदे उन्हां दे मूँह ते वैसे चपेड़ है कि, ठीक है जी। परमात्मा तरक्कियां बख्शे साडे सरदार जी नूं। देख लिया आपने, एक ड्राइवर गदगद हो गया, खुशी से फूला नहीं समा रहा है जब उसने देखा कि एक कंपनी में यहाँ पर ड्राइवरों के लिए एक अलग सा रूम, उसके अंदर एसी लगे हुए हैं, तख्ते बिछे हुए हैं और सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी फुटेज है कि कहीं कोई किसी का मोबाइल ना चुरा ले, कोई पैसा ना चुरा ले, अगर चुरा ले तो सब कुछ उसमें रिकॉर्ड हो जाए। ऐसी सुविधा देखकर दूसरी कंपनी वालों को लानत भेजी है जहां पर ये सब नहीं होता, और वो भी बड़ी बड़ी कंपनियां।
जो ऐसा करती हैं, ड्राइवरों को कोई सुविधा तो क्या ही देती हैं, उल्टा नियमों के नाम पर और शोषण हो जाता है। बिल्कुल, सुरक्षा के लिए नियम लगाइए, रूल बनाइए, लेकिन कुछ सुविधा ऐसी मुहैया करवाइए कि सिक्योरिटी भी हो जाए और एक तरफ इनको फैसिलिटीज मिल जाए रहने ठहरने की। 10-10 दिन 15-15 दिन अनलोडिंग नहीं होती, लोडिंग नहीं होती, ड्राइवर कहाँ जाए। खाना बनाने लगता है तो खाना बनाने के लिए भी दिक्कत, पानी की दिक्कत, ऐसा क्यों? ठहरने के लिए दिक्कत, ऐसा क्यों? अब इस वीडियो में देखिए कितने आराम से ड्राइवर लोग बैठे हैं, आपस में यहाँ पर बातचीत भी कर रहे होंगे, एक यूनिटी बनती है, एक जान पहचान बनती है। और यहाँ पर एसी की सुविधा, इस वीडियो में ड्राइवर बता भी रहा है कि यहाँ कूलिंग कम है, अभी मालिक आया था ये बोल कर गया कि एक एसी और लगवाऊंगा। भला बताइए क्या सोच होगी उस व्यक्ति जिसने सबको एक समान रखा हुआ है। ट्रांसपोर्ट टीवी आपके लिए लाया है राखी स्पेशल ऑफर। हादसे के बाद अगर चाहिए वकील, करवानी हो बेल या सुपरदारी में चाहिए मदद, तो ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए लीगल एड इंश्योरेंस पॉलिसी। ज्यादा जानकारी के लिए अभी व्हाट्सएप करें 9831 9831 पर, शर्तें लागू। दोस्तों ये वीडियो है फतेहगढ़ साहिब पंजाब के एक गांव रुड़की की, जहां पर ये सभी ड्राइवर एक कंपनी में आए थे। आप देख रहे होंगे बाहर सभी गाड़ियां खड़ी होंगी, गाड़ियां देखने के बाद लगा होगा कि यहां पर भी ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन जब ड्राइवर अंदर गया और फैसिलिटी देखी तो वाकई में खुशी से फूला नहीं समाया और सलाह दे डाली दूसरी कंपनियों को कि ऐसा कुछ करें। ड्राइवरों को और कुछ नहीं चाहिए, उनको ऐसी फैसिलिटी मिल जाए, रात अच्छे से गुजारने के लिए मिल जाए, दिन में थोड़ा सुकून मिल जाए, कूलर भी लगा देंगे तब भी चलेगा, लेकिन ठहरने की जगह तो हो, फैसिलिटीज तो हो, कम से कम खाने पीने नहाने धोने की एक सुविधा मिल जाए, ताकि हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन जो इंतजार होता है वो आसानी से कट जाए। ड्राइवर इसीलिए परेशान होता है क्योंकि ना तो ठहरने की जगह होती है, ना रुकने की जगह होती है, 10-10 दिन गाड़ियों में वो कैसे बिताए, खाना कहाँ बनाए, खाना कहाँ खाए। ऐसे ऐसे घने जंगलों में चले जाते हैं या ऐसे दूर चले जाते हैं जहाँ आसपास कोई दुकानें नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ ये कंपनी वाला है जहाँ पर एक समान कहीं ना कहीं ये व्यवहार कर रहा है कि नहीं, ड्राइवर भी तो इंसान है, मेरे अकाउंटेंट की तरह, मेरे बाकी मैनेजर्स की तरह, इनको भी तो गर्मी लगती होगी, लाइए इनको भी एसी प्रोवाइड करें। ये जो समानता वाला व्यवहार है ये क्यों नहीं होता हमारे देश में आज भी, इस तरह का ऊंच नीच क्यों? कि ये इस लेवल का है तो इसे इतनी सुविधा मिलनी चाहिए, क्यों नहीं उसे ठंडे पानी और ठंडे हवा की सुविधा मिल सकती, इस पर तो सबका हक है। वाकई में इस कंपनी मालिक की सोच को सलाम। इस वीडियो को देखकर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।